बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम नान खटाई की रेसिपी लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। ये देखें हमने बनाई है, कितनी अच्छी और सॉफ्ट सी बनी है। तो आप भी बनाएं, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए देखते हैं ये किन अज्जा से मिलकर बनी है। नान खटाई बनाने के लिए हमने 16 टेबल स्पून जो है वो फ्लोर लिए, 8 टेबल स्पून बेसन लिए, 4 टेबल स्पून सूजी है। इनकी मेजरमेंट ये, जितना आपने फ्लोर लेना है उससे आधा आपने बेसन लेना है, और उससे जितना बेसन लेना है उससे आधी आपने सूजी लेनी है। ये राइट मेजरमेंट है, आप किसी भी चीज़ से इसको माप सकती हैं। 4 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल लिया, आप देसी घी भी ले सकती हैं, उससे ज़्यादा अच्छा बनता है। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। हमने 8 टेबल स्पून लिए, ये बादाम है, और ये आधा टेबल स्पून जो है बेकिंग पाउडर है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर डाल के इसको भी मिक्स करेंगे दूसरी चीज़ों के साथ अच्छी तरह, इनको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें हमने ऑयल इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर दिए। तो थोड़ा सा हम दूध डालेंगे, सिर्फ उतना जितनी ज़रूरत होगी, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे ये जुड़ जाए। हमारी डो बनकर तैयार है। अब 10 मिनट का हम इसको रेस्ट देंगे। हम पैन लेंगे जिसमें हमने इनको डालने, ये ऑयल लेके सारी साइडों पे ग्रीस कर लेंगे। ये एक अंडा लेंगे, अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, जितने आपने बॉल बनाने जितने बड़े उतना बना के, क्रैक्स नहीं आने चाहिए। ये लें जी, नान खटाइयां हमारी बनकर तैयार है। अब हम अंडा लगा के ये एक बादाम लगा देंगे, इसी तरह सब पे लगा के। ओवन को हमने प्री हीट कर लिए 15 मिनट के लिए, 180 सेंटीग्रेड पे। अब हम इसको ओवन में रखेंगे 10 से 15 मिनट तक, लेकिन 10 मिनट के बाद हम दोबारा देख लेंगे, क्योंकि हर एक के ओवन की हीट जो है ना वो अलग अलग होती है। ये देखें जी, हमने 15 मिनट के बाद ओवन से निकाली और नान खटाई हमारी बनकर देखें कितनी खूबसूरत तैयार है। अभी ठंडी होती है तो हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। ले जी, हमने नान खटाई को डिश आउट कर ली है, देखें कितनी अच्छी और खूबसूरत बनी है। तो आप भी बनाएं और कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी।